सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F41 की एक SD के बारे में, जो दोस्तों काफ़ी लोगों को पता नहीं है। दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 215,499 रुपये, पर दोस्तों ये फ़ोन आप सिर्फ 10,860 रुपये कह सकते हो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के ऊपर। या दोस्तों मैं आपको इसकी एक ऐसी डील बताऊंगा जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है, और ये फ़ोन आप सिर्फ 10,860 रुपये कह सकते हो अगर आप इसे फ्लिपकार्ट से परचेज करते हो तो। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे हो जिस सैमसंग गैलेक्सी F41 से शूट हो रही है, तो दोस्तों आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी है वो दोस्तों किस प्रकार की है। दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूँ कि आप ऐसे 10,860 रुपये कैसे दे सकते हो, क्योंकि दोस्तों इसकी प्राइस वो है 15,500 रुपये। तो मैं आपको दोस्तों पूरा लाइव दिखाऊंगा, पूरा तरीका बताऊंगा कि आप ऐसे इतनी कम प्राइस में कैसे दे सकते हो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे दोस्तों मैं जब भी कोई वीडियो ऊपर डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको सैमसंग गैलेक्सी F41 की इस धमाकेदार डील के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फ़ोन में फ्लिपकार्ट ओपन करना है। फ्लिपकार्ट ओपन करने के बाद आपको देखिए दोस्तों यहाँ पे आना है मोबाइल वाले ऑप्शन पर, जहाँ पे मोबाइल लिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये मोबाइल वाली लिस्ट खुल जाएगी। तो आपको यहाँ पे आके F41 पर क्लिक कर देना है। देखिए इसकी प्राइस दिखाई जा रही है 15,499, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सैमसंग गैलेक्सी F41 के कई सारे मॉडल आ जाएंगे, तो आपको जौन सा ही मॉडल लेना है आपको उस पर क्लिक कर देना है। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं आपको इस ब्लैक वाले पर 6GB और 64GB वाले पर क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इसकी जो प्राइस है वो है 15,499 रुपये। तो आपको दोस्तों क्या करना है, नीचे करना है, नीचे आना है, और नीचे आने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला फ्लिपकार्ट स्मार्ट अपग्रेड प्लान, तो आपको इसको क्लिक कर देना है, यानी कि राइट कर देना है, जैसे इसको ऐड कर लेना है प्लस पे प्लस करके, और वाई नाउ पर क्लिक कर देना है। ये 11 रुपये का प्लान होता है दोस्तों। तो फिर से दोस्तों आपको इसमें दिखाया जा रहा है कि आप इसको लेना चाहते हो या नहीं, तो आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दोस्तों देखिए आपका एड्रेस आएगा और आपकी जो प्राइस है दोस्तों दिखाई जाएगी 15,499 रुपये प्लस 11 रुपये अभी आपने जो जो स्मार्ट अपग्रेड वाला प्लान लिया उसका, जो टोटल दोस्तों होते हैं 15,510 रुपये। अब आपको दोस्तों एड्रेस सही दिखाया जा रहा है कि आपको इसी एड्रेस पर मंगाना है, अगर आप चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपसे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर आ रहा है कि आपने प्लान लिया है, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको उसे बजाज कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना होगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे आना है, आपको किसी भी डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं करना है। अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो आपको पूरा 15,510 रुपये देने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको EMI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको बजाज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोगों के पास बजाज कार्ड ही होता है, क्रेडिट कार्ड दोस्तों हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन बजाज कार्ड मोस्टली लोगों के पास मिल जाता है, तो आपको बजाज कार्ड पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने रेट दिखाई जा रही है, वो है 10,860 रुपये, यानी दोस्तों जो पैसे 4,600 रुपये कुछ भी बाकी हैं वो आपको देने पड़ेंगे आज से एक साल बाद, यानी दोस्तों जब आप फ़ोन परचेस करते हो उसको उस तारीख के एक साल बाद आपको जो बाकी पैसे हैं इस फ़ोन के वो आपको तब देने पड़ेंगे। और अगर आप उन्हें ये देखिए दोस्तों 4,650 रुपये आपको एक साल बाद देने हैं, और अगर आप अपने फ़ोन को एक साल बाद इसी फ़ोन को जो आप ले रहे हो इस फ़ोन को अगर आप सेल करते हो फ्लिपकार्ट पर, यानी दोस्तों अगर कोई और फ़ोन लेते हो और उसकी जगह इस वाले फ़ोन को जो आप खरीद रहे हो इसको एक्सचेंज करते हो, तो दोस्तों आपको इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी फ्लिपकार्ट की तरफ से। और अगर आप फ़ोन नहीं खरीदना चाहते तो आपके जो बाकी पैसे हैं 4,650 रुपये जो आपको एक साल बाद देने हैं बजाज कार्ड के द्वारा,
जो कि दोस्तों आपके अकाउंट से काटे जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप सैमसंग गलेक्सी F41 को 10,860 रुपये में खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास इतना बजट नहीं होता कि वो एक 10 से 15-16 हज़ार रुपये वाला फ़ोन खरीद सकें। बट दोस्तों 10,000 रुपये का जो बजट होता है वो दोस्तों काफ़ी लोगों के पास होता है, तो वो 10,000 रुपये वाला फ़ोन खरीद लेते हैं जिसमें दोस्तों ज़्यादा फीचर हमें देखने को नहीं मिलते। बट दोस्तों अगर आपके पास बजाज कार्ड है या फिर कोई क्रेडिट कार्ड है आपके दोस्तों के पास किसी के पास, तो आप जो वाला तरीका अपना कर गलेक्सी F41 10,860 रुपये में खरीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों एक साल बाद आपको पैसे देने हैं, तब तक आप कहीं से भी अरेंज कर लोगे। और प्लस दोस्तों अगर आप एक साल तक इस फ़ोन को चलाने के बाद अगर आप इसे सेल करना चाहते हो तो आपको आपके इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी फ्लिपकार्ट की तरफ से, अगर आप एक्सचेंज ऑफर लेते हो। तो यही तरीका दोस्तों, आप सैमसंग गलेक्सी F41 को 10,860 रुपये में परचेज कर सकते हो 6GB 64GB वाला वेरियंट। तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आप इसे 10,860 रुपये कैसे ले सकते हो। दोस्तों आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि इसके दोस्तों बाकी पैसे हैं वो आपको एक साल बाद देने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको देना नहीं है, आपको एक साल बाद इसके पैसे देने हैं। आपका जो बजाज कार्ड है उस बजाज कार्ड में दोस्तों जो आपका बैंक लगा हुआ है, जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है, आपको उसी अकाउंट में पैसे डालने हैं, उसी अकाउंट से आपके पैसे कटेंगे एक साल बाद। और दोस्तों अगर आप ऐसे अपने फ़ोन को एक साल बाद सेल करना चाहते हो तो आपको दोस्तों ये मोबाइल है वो काफ़ी अच्छे ऑफर में, काफ़ी अच्छे प्राइस में फ्लिपकार्ट इसे एक्सचेंज के रूप में ले लेगा। यानी दोस्तों एक साल बाद दोस्तों अगर आप इस फ़ोन को एक्सचेंज करते हो, कोई और फ़ोन खरीदते हो फ्लिपकार्ट से, तो दोस्तों फ्लिपकार्ट आपको इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी कीमत देगा एक साल बाद। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑफर है ये, आप इसको सिर्फ 1100 दोस्तों आप इस ऑफर को सिर्फ 1100 रुपये में ले सकते हो फ्लिपकार्ट स्मार्ट ऑफिट प्लान को लेकर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।